व्हाट्सअप एवरीवान वेलकम बैक टू द चैनल तो आज हम हमारे दो चैप्टर शुरू करेंगे जिसमें कि एक होगा रेशोज और एक होगा इशू ऑफ शेयर्स तो so, दो चैप्टर्स के मैं आपको आज बेसिक्स कराऊंगा और इसी तरीके से हम अपने चैप्टर्स कंप्लीट करते चले जाएंगे और मैक्सिमम पोर्शन कवर अप हो जाएगा तो so, आइए जल्दी से शुरू करते हैं आज की इस शानदार वीडियो में रेशोज और रेशोज को बड़े डिटेल में एक एक चीज कवर करके खत्म करते हैं तीन रेशोज न्यू भी एड हुई हैं उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं चलिए लेट्स बिगेन

इन एरिथमेटिकल टर्म्स ठीक है अब रेशोज़ को अगर आपको एक्सप्रेस करना हो तो रेशोज कितने तरीके से एक्सप्रेस हो सकती है या तो हम प्रपोर्शन और प्योर रेशो में कर सकते हैं या फिर हम इसको सिंपल रेशो भी बोलते हैं तो प्रपोर्शन प्योर रेशो बोल दो या सिंपल रेशो बोल दो जैसे यही टू रेशो वन वन रेशो वन थ्री रेशो वन ये सब रेशोज हैं इसी को हम प्योर रेशो इसी को हम प्रोपोर्शन बोलते हैं या फिर रेट और टाइम्स सपोज मैंने आपको बोला कि भाई कुछ रेशोज़ रेट में या टाइम्स में आती हैं फोर टाइम्स थ्री टाइम्स टेन टाइम्स सिक्स टाइम्स तो अगर कोई रेशो फर्दर टाइम्स में आ रही होगी अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो दूसरा तरीका होता है रेट या टाइम तीसरा होता है परसेंटेज दस परसेंट बीस परसेंट तीस परसेंट चालीस परसेंट परसेंटेज में दिया होता है ना तो वो परसेंटेजेस फोर्थ होता है फ्रैक्शन फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं हम लोग लाइक like हमने लिख दिया वन बाई टू वन बाय फोर वन बाय सिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया तो कोई भी रेशो को अगर आपको एक्सप्रेस करना है तो एक्सप्रेशन चार तरीके का हो सकता है प्योर रेशो या प्रोपोर्शन, रेट और टाइम्स परसेंटेज और फ्रैक्शन इसके बाद हम लोग जब एनालिसिस की बात करते हैं तो एनालिसिस दो प्रकार के होते हैं एक होता है क्रॉस सेक्शनल और एक होता है टाइम सीरीज देखो ये वो चीजें हैं जो हम यूजुअली इग्नोर कर देते हैं बट एग्जाम में वन मार्कर में पूछ लेती हैं तो आई डोंट वांट कि आप लोग का कहीं भी मार्क कटे तो एक एक चीज हम कवर करेंगे जब भी हम एनालिसिस की बात करेंगे तो दो प्रकार के एनालिसिस हैं क्रॉस सेक्शनल और टाइम सीरीज सर क्रॉस सेक्शनल क्या होता है देखो क्रॉस सेक्शनल होता है हमारे पास जब हम अपने फिगर्स को हमारा डेटा जब हम हमारे डेटा को कंपेयर करेंगे अदर फर्म के डेटा के साथ सेम इंडस्ट्री में ठीक है सपोज मेरा भी गारमेंट का बिजनेस है और मैं 25 परसेंट का प्रॉफिट कमा रहा हूं तो मैं देखूंगा कि किसी और का अगर गारमेंट का बिजनेस है तो वो कितना परसेंट कमा रहा है तो हम हमारे डेटा को किसी अदर फर्म के साथ सेम सेगमेंट में कंपेयर कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल और एक होता है टाइम सीरीज टाइम सीरीज में डेटा हमारा ही होगा डेटा सिर्फ हमारा ही होगा हम इसको कंपेयर करेंगे हमारे पास्ट डेटा को प्रेजेंट डेटा के साथ मतलब इसमें दो फर्म्स नहीं होंगी इसमें एक ही फर्म होगी यहां पे दो फर्म्स होती थी उनको कंपेयर करते थे यहां पे एक ही फर्म है मेरा आज का डेटा और जो मैंने पिछले साल में कमाया है वो डेटा दोनों को कंपेयर कर दो ये टाइम सीरीज ठीक है तो एनालिसिस क्रॉस सेक्शनल हो सकती है या टाइम सीरीज हो सकती है देन वी हैव बेंच मार्क्स किस किस बेसिस पे आप किसी भी रेशो को अच्छा मानोगे या कोई भी रेशो आप खराब किस बेसिस पे मानोगे तो सबसे पहला होता है पास्ट रेशोज अपनी प्रीवियस रेशोज चेक करो पिछले से कंपेयर कर लो टेंथ के नंबर ट्वेल्थ से कंपेयर कर लो प्रीवियस डेटा दूसरा होता है रेशोज ऑफ सिमिलर फॉर्म या इंडस्ट्री एवरेज कि भाई अगर आप गारमेंट में हो तो टेक्सटाइल्स में गारमेंट्स में क्या बेसिकली एक एवरेज चलता है इंडस्ट्री एवरेज क्या है उसको आप बेंच मान सकते हो कोई तो बेंच रखोगे ना बेंच का मतलब कोई तो क्राइटेरिया रखोगे ना किस बेसिस पे आप कोई अच्छी या बुरी बताओगे तो या तो अपनी ही पास्ट परफॉर्मेंस या फिर कोई सिमिलर uh, इंडस्ट्री की और या फिर रूल ऑफ थम रूल ऑफ थम का मतलब कि कुछ चीजें पहले से चलती आ रही हैं जैसे करंट रेशो हम लोग करंट रेशो में बोलते हैं कि टू रेशो वन इज आइडियल रेशो दिस इज आइडियल रेशो करंट रेशो वन के लिए तो ये एक रूल ऑफ थंब है ये पहली ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट से आया हुआ है तो इस तरीके से हम लोग बेंच डिसाइड कर सकते हैं तो ये कुछ बेसिक थ्योरी है जो आपको रेशोज के बारे में पता होनी चाहिए थी ये मैंने आपको थ्योरी बता दी अब इसके बाद हम लोग चलते हैं थोड़े अकाउंटिंग पार्ट की तरफ जिसमें हम सीखने वाले हैं कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रेशोज अब हम उधर चलते हैं तो अब हम लोग देखते हैं कि कितने प्रकार के रेशोज होते हैं तो रेशोज में वी हैव फोर ऑफ रेशोज अगर आप ध्यान से देखो लिक्विडिटी रेश्योस, रेशोस रेश्योस, टर्नओवर रेशोस प्रॉफिटेबिलिटी रेशोस तो जब भी हम रेशोस की बात करेंगे तो वी हैव फोर काइंड्स ऑफ रेशोस कौन कौन से? लिक्विडिटी सॉल्वेंसी टर्नओवर एंड प्रॉफिटेबिलिटी तो क्या क्या चीजें इसके अंदर आ जाती हैं थोड़ा सा इसको समझते हैं और फिर हम इनके अलग अलग कॉम्पोनेट्स को पढ़ना शुरू करेंगे इन सबके अंदर तीन तीन चार चार इसमें दो ये सब रेशोज हैं तो सबसे पहले अगर आप किसी भी कंपनी की शॉर्ट टर्म पोजिशन को देखना चाहते हो कि एक साल तक करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी की क्या पोजिशन है शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म में कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है उसके लिए जो रेशो चेक करोगे उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी रेशो तो लिक्विडिटी रेशो कौन सी है जब भी आप किसी कंपनी की परफॉर्मेंस चेक कर रहे हो क्या चल रहा है काम अगर एक छोटा तो उसमें कैसा परफॉर्म करेगी तो उसके लिए हम लोग हमेशा लिक्विडिटी रेशियोज देखते हैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में देखना हो थोड़ा सा ज्यादा समय में देखना हो दो साल तीन साल पांच साल तो वहां पे हम सोल्वेंसी पोजिशन चेक करते हैं वहां पर हम चेक करते हैं सोल्वेंसी रेशियोज तो सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियोज उसके बाद सॉल्वेंसी रेश उसके बाद अगर आपको कंपनी की ये चेक करनी होगी पैसा कितने दिन में वापस आ रहा है टर्नओवर कैसा है सेल्स किस तरीके से वर्क कर रही है क्रेडिट सेल डेटर कितने टाइम में पैसा दे रहा है उधार पे खरीद रहा हूं तो हमें कितने टाइम में पैसा देना है ठीक है ना ये सारी चीजें टर्न ओवर में आती है प्रॉफिटेबिलिटी अलग अलग तरीके के प्रॉफिट्स होते हैं जैसे ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो प्रॉफिट्स के लिए जो रेशो आप चेक करते हो उसको आप बोलते हो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज तो वी हैव फोर काइंड ऑफ रेशोज सबसे पहले लिक्विडिटी फिर सॉल्वेंसी फिर टर्न एंड देन प्रॉफिटेबिलिटी ठीक है ये सब नोट करके चलना अब आप हेडिंग डाल दो लिक्विडिटी रेशोज़ लिक्विडिटी में मैंने आपको बताया जब भी आप किसी कंपनी की शॉर्ट टर्म पोजीशन देख रहे हो कि शॉर्ट टर्म में कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है कंपनी की जो कंडीशन है वो फेवरेबल है या नहीं है उसके लिए जो रेशो चेक करोगे उसको आप लिक्विडिटी बोलोगे अब लिक्विडिटी रेशोज में हमारे पास दो रेशोज होती है लिक्विडिटी रेशोज में वी हैव टू रेशोज कौन कौन सी होती है सबसे पहली होती है करंट रेशो और करंट रेशो का दूसरा नाम याद रखना ये इंपॉर्टेंट है करंट रेशो या फिर वर्किंग कैपिटल रेशो करंट रेशो और वर्किंग कैपिटल रेशो और दूसरी होती है हमारे पास क्विक रेशो और लिक्विड रेशो बोलते हैं इसको और इसी को एसिड टेस्ट रेशो बोलते हैं तो आपसे किसी भी नाम से ये रेशो पूछ सकता है लिक्विडिटी में दो रेशो याद रखेंगे करंट रेशो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रेशो और क्विक रेशो क्विक रेशो को ही हम लोग क्या बोलते हैं लिक्विड रेशो या फिर एसिड टेस्ट रेशो इसको नोट डाउन करो फिर आगे चलते हैं तो आइए अब जल्दी से इनके फॉर्मुलाज को समझते हैं करंट रेशो क्विक रेशो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं वो समझते हैं और फिर हम अगली क्लास में इनके क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करेंगे सबसे पहले विल स्टार्ट विद करंट रेशो करंट रेशो जैसे कि मैंने आपको बताया एक साल तक की शॉर्ट टर्म पोजीशन लिक्विडिटी रेशोज में आता है शॉर्ट टर्म पोजीशन दिखाएगा तो करंट रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज तो इसको शॉर्ट में जब मैं लिखता हूं तो मैं लिखता हूं सी आर एस सी ए अपॉन सी एल अब सर करंट एसेट्स में क्या क्या आता है करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है उसके लिए मैंने आपको पूरा फॉर्मेट बैलेंस शीट लास्ट क्लास में सिखाई थी अगर आपने नहीं देखी तो पहले बैलेंस शीट समझो क्योंकि अगर करना है ना तो उसके लिए बैलेंस शीट आनी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको बैलेंस शीट नहीं आती तो आप ये सब कैसे आइडेंटिफाई करोगे तो करंट एसेट्स में वो सभी एसेट्स आपका कैश बैंक डेटर बी जो भी एक साल के अंदर अंदर आपको बेनिफिट दे देते हैं वो सब ले लेना और करंट लाइबिलिटीज में वो लाइबिलिटीज जिनका पेमेंट एक साल के अंदर अंदर करना है बिल्स पेबल्स हो गए शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो गए आपने याद करें ट्रेड पेबल्स uh, अदर करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरिंग शॉर्ट टर्म प्रोविजन वो सब करंट लाइबिलिटीज में आ जाता है तो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज आपको सारे यहां पे कंसिडर करने और ये रेशो बन जाता है करंट रेशो उसके बाद नोट कर लो आइडियल करंट रेशो इज टू रेशो वन हमारे पास जो आइडियल करंट रेशो माना जाता है वो कौन सा माना जाता है टू रेशो वन माना जाता है यानी कि जो आपके करंट एसेट्स हैं लाइबिलिटी इससे जस्ट डबल होने चाहिए इससे ज्यादा है तो बढ़िया है इससे कम है तो खराब है ठीक है अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको नोट करने हैं हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में नंबर वन तो यही ले, ले लेना आपका आइडियल करंट रेशू आइडियल करंट रेशू क्या होता है हमारे पास टू रेशो वन तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है करंट रेशो का कि हमारा जो आइडियल है वो ये होना चाहिए इसके बाद पॉइंट नंबर टू डालना आइटम्स टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम करंट एसेट्स जब भी आप करंट एसेट्स कैलकुलेट करोगे तो उसमें कुछ आइटम्स एक्सक्लूड करना है सर क्या क्या जैसे कि लूज टूल्स एंड स्पेयर और दूसरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी आप डेटर में से हटा देना आइटम्स को भी आपको एक्सक्लूड कर लेना है सही है इस बात का स्पेसिफिकली याद रखना उसके साथ साथ एक छोटी सी चीज और याद रखना जो आपके लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होते हैं जब वो अपने लास्ट ईयर में हो जैसे डिवेंचर है तो डिंचर जब अपने लास्ट ईयर में होगा तो वो करंट लाइबिलिटी का पार्ट बन जाएगा ठीक है ये हमारा करंट रेशो के बारे में हो जाता है कुछ बेसिक पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए ठीक है जी अब इसके बाद हम बात करते हैं सर क्विक रेशो तो हमारे पास क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, क्विक एसेट्स को ही हम लोग लिक्विड एसेट्स भी बोलते हैं लिक्विड रेशो भी बोलते हैं इसको तो क्विक एसेट्स अगर आपको फाइंड आउट करने हो तो वो कैसे निकलते हैं क्विक एसेट्स इज करंट एसेट्स माइनस आई पी ए करंट एसेट्स माइनस आई पी ए वॉट इज आई पी ए इन्वेंट्री Expenses और एडवांस टैक्स याद रखना इन तीनों में से कुछ भी दिया करंट एसेट्स में से हटा देना तो क्विक एसेट्स आ जाएंगे क्विक एसेट्स का ही दूसरा नाम क्या होता है लिक्विड एसेट्स ठीक है तो अगर आपको एक साल से भी छोटे टाइम के लिए देखना है कि कौन सा आइडियल रेशियो रहेगा या

आइटम्स बता दी इंपॉर्टेंट अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे और कुछ थ्योरी पोर्शन भी मैंने आपको करा इतना रेशो का बेस बनाओ आज के लिए कल रेशोज को तेजी से बढ़ाएंगे कल मैं आपको रेशोज की दो से तीन वीडियोस अपलोड करके कर दूंगा सो दैट रेशो आपका बढ़िया हो जाए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक अच्छे से पढ़ते रहो ऑल द बेस्ट एवरीवन आई एम गोना सी वॉल सुपर सून टिल देन टेक केयर बाय बाय